नमस्कार किसन बारो वालों, आशा हुई सब कोई अच्छा हुई नहीं मन हुई स्वस्थ हुई। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। आज बिहारी स्टाइल की मछली बनाने वाली हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर करो। और साथ में मैंने ये मुरे का लड्डू भी बनाया है, क्योंकि चूँकि संक्रांति है, जो ठंड में तो ये खाते ही हैं, तो इसकी रेसिपी दूंगी बट कुछ दिन बाद। अभी आज बिहारी टिपिकल बिहारी स्टाइल की मछली बनाने के लिए सबसे पहले ये रेहू मछली है। ये 750 ग्राम्स है मछली, मतलब एक किलो से थोड़ा सा कम था, तो उसको इसको धो लिया अच्छे से मैंने। पहले दो तीन पानी को अच्छे से खुले नल में धोया, फिर हम लोग क्या ना आटा लगा के, मतलब थोड़ा सा आटा देकर, ताकि वो जो स्मेल होता है ना मछली का वो निकल जाता है। नहीं तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू का रस डालिएगा तो इसमें से स्मेल सारा चला जाएगा। इसको धो लिया, अब इसको हमको फ्राई करना है। इसमें फ्राई करने में ना पहले मैंने ये लहसुन लिया, ये दो बड़े लहसुन है। इसमें से पहले लहसुन थोड़ा सा, मतलब पेस्ट बना करके थोड़ा सा इसमें, अगर आप चाहें तो बहुत लोग सिर्फ हल्दी और नमक डाल के फ्राई करते हैं, बट मैं थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट भी डालती हूँ। सबसे पहले लहसुन पीस लूँगी, देन फिर थोड़ा सा निकाल के इसमें डाल दूँगी फ्राई करने में, मतलब मुश्किल से आधे चम्मच, ज़्यादा नहीं। फिर ये सरसों राई, ये पीली सरसों है, उसका पाउडर बना के रखा हुआ, इसको भी जब डालूँगी ना लहसुन पीसूँगी उसमें मिक्स कर दूँगी एक साथ। फिर ये तीन टमाटर है, मतलब दो बड़े हैं एक छोटे हैं, और ये मेथी, मेथी सीड्स है, ये जाएगा हमारा ग्रेवी के फोरन में जाएगा, फोरन बोलते हैं हम लोग। और ये धनिया पत्ता है गार्निशिंग के लिए लास्ट में। मेन इसके मसाले यही होते हैं, बहुत लोग धनिया डालते हैं, धनिया सीड्स डालते हैं, जीरा डालते हैं, बट हम लोग क्या वो, मतलब जो टिपिकल बिहार में बनाते हैं ना, वो नहीं डालते हैं। अगर डालते भी होंगे तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे मायके ससुराल में सेम प्रोसेस में बनता था, तो मैं वही बना रही हूँ एकदम। और इसमें एक आलू भी डालूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को मछली में आलू अच्छा लगता है, तो मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए आलू डालूंगी। और जो नॉर्मल मसाले हैं हल्दी मिर्च नमक, वो तो जाएगा ही। तो सबसे पहले ये लहसुन पीस लेती हूँ थोड़ा सा इसमें डालने के लिए, क्योंकि इसको फ्राई करूँगी, तब तक फिर मेरा ग्रेवी का जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने पीस लिया है, इसमें से बस जड़ा सा, अगर आपको नहीं मैंने तो आप मत डालिए, बट इससे एक बहुत अच्छा सा स्पाइसी सा टेस्ट आता है। और फिर ये साल मसाले ग्रेवी के लिए है, इसी में मैंने ये टमाटर जो है ना इसको इसमें डाल के, और ये भी राई पाउडर भी डाल करके, लहसुन ज़्यादा रहेगा राई ज़्यादा कम रहेगा। जैसे आपका लहसुन अगर समझ लीजिए तीन चम्मच है, तो राई आपका वन एंड हाफ चम्मच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर कड़वा हो जाएगा आपका। फिर ये टमाटर मेरे तीनों एक ही में डाल के मैं इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ लहसुन, तो डाल दिया ना, नमक टू टेस्ट, और उधर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल भी डाल दिया इसको फ्राई करने के लिए, जब तक ये फ्राई होगी। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत लोग बहुत टाइट बनाते हैं करते हैं, बहुत लोग हल्का फ्राई करते हैं, मेरे यहाँ मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी होता है। तो तेल मेरा गर्म हो रहा है, इसको अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, मतलब ताकि मसाले सारे हमारे आपस में मछली में अच्छे से लिपट जाए एक दूसरे में। तो ये ना ऐसे फ्राई में भी लोग बहुत खा लेते हैं, मतलब सूखी बिना ग्रेवी डाले हुए भी, ये भी ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। फ्राई मछली तो ऐसे सबको पसंद है, सूखी मछली ग्रीन चटनी के साथ, मुझे ग्रीन, मैं जब खाती तो ग्रीन चटनी के साथ फ्राई खाती थी, मुझे बहुत पसंद थी, मैं सूखे चावल के साथ भी इसको खा लेती थी। मछली में मुझे ये रेहू और वो झींगा बोलते हैं ना, वो बहुत पसंद था। और एक मेरे पापा लाते थे, उसको पता नहीं बचवा मछली बोलते हैं, वो छोटा छोटा होता है मछली का, सोच लीजिए बच्चा, तो वो सीधे सीधे मम्मी बनाती थी, वो भी बहुत पसंद था। और बहुत वो तालाब की मछली होती थी ना, तो बहुत मीठी होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसे भी हमारे तरफ की जो नदी की, गंगा नदी की मछली होती है ना, बहुत मीठी होती है। अभी इधर तो आंध्रा से लाते हैं सब, लेकिन मैं अभी ये जो मछली आई आंध्रा की नहीं है, ये हम नदी की मछली है, हंसदेव रिवर की मछली है, तो ये भी अच्छी रहती है। तेल मेरा गर्म हो गया है, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी डालना, नहीं तो फिर अगर ठंडे तेल में आप डालेंगे ना, फिर ये नीचे से चिपक जाएगी, क्योंकि मछली चिपकती है थोड़ी नीचे से, तो फिर अच्छे से तेल गर्म हो जाना है तब आपको मछली डालना है। उसको होने देते हैं, फिर पलट के दूसरी साइड में करें। मैंने पलट लिया था, एक तरफ होने में लगभग 2-3 मिनट लग जाते हैं अच्छे से क्रिस्पी होने में, दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे ही करना है, क्योंकि मतलब गर्म तेल में मैंने डाला था तो ये चिपकी नहीं है बिल्कुल, वो ठंडे तेल में डालिएगा ना तो फिर नीचे से ये चिपक जाएगा, तो फिर टूटने लगता है, और एक बार नहीं डली ना सके। फ्राई हो गई है अच्छे से, अब बोला था आलू डालूंगी, तो फिर ये नया वाला लाल वाला आलू है, इसको ना तेल में थोड़ा सा फ्राई करूंगी। बॉयल्ड आलू नहीं डालती, बॉयल्ड आलू का अलग टेस्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करूंगी। आलू निकाल लिया मैंने फ्राई करके, अब सेम ऑयल में ये मेथी सीड्स डालना है और इसको पकाना है, फूल के थोड़े बड़े हो जाएंगे ब्राउन कलर के,
देन हम इसमें अपना जो मसाला पीसा है ना, सब टमाटर लहसुन सरसों ये सारा थोड़ा डालेंगे। ये देखिए काले काले हो गए ना, तो थोड़ा सा और इसको ना थोड़ा फूलने देना है, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा बोलते हैं ना उसको झांस देने वाला, सरसों और मेथी का जो झांस आता है ना वो, और मेथी तो सबको पता है कि हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो हम लोग ऐसे बैंगन में और बहुत सारी सब्जी में मेथी का यूज़ करते हैं। ये हो गई है, अब टेस्ट हमको ना हल्दी नमक टू टेस्ट, क्योंकि नमक हमने फ्राई में भी डाला था जो अभी फ्राई किया, और मिर्ची। अब इसको मसाला को तेल छोड़ने तक भूनना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे जार में, जो मसाले रह गए ना वो मिला करके उसको भूनना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। मसाला अच्छे से भून रहे थे, मैंने मुश्किल से एक कप पानी डाला था और धीमे आँच पे इसको भून रही हूँ। अभी जब पानी सूख गया ना तो ये इसमें आलू जो हमने किया था ना, ऐसे आलू मेरे गल चुके अच्छे से, देखिए फिर इनको डाल दूँगी ताकि अच्छे से इसमें मसाले चले जाएँ। ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है कि मेरा पसंद करते इसमें डाल दें। मेरी सासू माँ को भी आलू चाहिए होता था मछली में खास करके, मेरे पापा को भी चाहिए होता है आलू। अभी इसको 5-6 मिनट 3-4 मिनट और भूनूंगी, लगे भुन चुके हैं लेकिन और थोड़ा सा अच्छे से भूनूंगी। कलर भी अच्छा आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये मसाला हो चुका है मेरे पूरे अच्छे से, एकदम कहीं तली में नहीं चुका है। देखिए अब इसमें हम कितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना पानी डालना है, और बहुत लोग पतली ग्रेवी पसंद करते हैं, बहुत लोग थोड़ी थिक ग्रेवी पसंद करते हैं, तो मेरे यहाँ बहुत पतली ग्रेवी नहीं चलती है, सेमी ग्रेवी चलती है ना। ये बॉइल देखिए कितने अच्छे से आने लगी है ना। अब इसमें हम लास्ट इंग्रेडिएंट्स धनिया पत्ता ढेर सारा ऐड कर लेंगे और इसको बंद कर देंगे हम। ये हमारा हो चुका है, अब इसमें हम अपनी फिश ऐड करेंगे एक एक करके। मैंने चूंकि थोड़ा सा ग्रेवी कम रखा है क्योंकि मुझे ना कुछ पीसेस अलग रखने हैं, ये लोग फ्राई खाते हैं इसलिए जितने पीस मुझे चाहिए थे ना उतनी की ग्रेवी मैंने डाल दी है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आप लोग को पसंद आई हो टिपिकल बिहारी फिश, और अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये है हमारा आज का खाना, मछली और चावल।